भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों की शिकायत करी। भाजपा ने कांग्रेस विधायक के हाथ काट देने वाले बयान और दिग्विजय सिंह के न्यूज चैनल्स पर प्रचार को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में कांग्रेस की शिकायत की। पहली शिकायत यह थी कि धांधला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने 26 मार्च को मेघनगर के पास ग्राम मदरानी में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रत्याशी अनिता नागर सिंह चौहान को अपशब्द कहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि कोई आए तो हाथ काट देना। दूसरी शिकायत में कांग्रेस के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी दिग्विजय सिंह द्वारा अपंजीकृत एवं पंजीकृत समाचार चैनलों पर अपने एवं अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कराकर चुनाव आचार संहिता के नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। ऐसा कर के जनता में अपनी छवि बनाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही अपनी उम्मीदवारी में चुनाव जीतने की प्रबल संभावना जताई है। इन चैनलों द्वारा दिग्विजय सिंह के निर्देश पर उनकी पूर्व के कार्यकाल का महिमा मंडन किया जा रहा है एवं वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर की छवि धूमिल करने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की स्थिति अति संवेदनशील हो गई है। झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया की उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में थांदला क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके परिवार पर हमला किया है, उनके बारे में अपशब्द बोले हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि इनकी ऐसी तैसी कर दो, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे ऐसा लगता है कि वो हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं। कांग्रेस अपने निम्न हथकंडों पर उतर आई है और चुनाव के जो सामने दिखने वाली पराजय को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और इस तरीके से वहाँ का चुनाव का वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। इसको लेकर के हमने निर्वाचन आयोग को शिकायत की है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, चूंकि वहाँ पर संबंधित थाने में 188 की कार्रवाई हुई है, अब निर्वाचन आयोग उनको आगे की सभी सभाओं के लिए उनको एक प्रकार से बंदिश लगाए और वो आगे किसी सभा में न जा पाए। साथ ही उनको बर्खास्त करने की बात कही हमने प्रत्याशी सहित विधायक को। इसके अतिरिक्त राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में जिस तरीके से वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से एक वातावरण बनाना एक प्रत्याशी का एक चीज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर जी के खिलाफ अनर्गल वहाँ समाचार छपवाना, प्लांटेड न्यूज और वहाँ पेड न्यूज के माध्यम से जिस तरीके से काम हो रहा है, ये घोर आपत्तिजनक है और ये कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर के हमने कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को शिकायत की। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।